क्या हुआ तुझे? कोई जॉब ही नहीं मिली, कहीं कोई वैकेंसी ही नहीं, और है भी तो फालतू के सवाल पूछकर भेज देते हैं। सिर्फ सिफारिश वाले ही कैंडिडेट को जॉब देते हैं, और अगर कोई जॉब देने को तैयार भी होता है ना तो सिर्फ 2-3 हज़ार से ज्यादा नहीं देते। हम कोई MBA CA पास है क्या? कोई 40-50 हज़ार देगा BCOM, वो भी सेकंड ईयर डिसकंटिन्यू। हमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अरे अर्जुन, कलेक्शन एजेंट की जॉब के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, एक बार उसे ट्राई करेंगे। कमाल का आइडिया दिया है महेश, अब तेरी जॉब की गारंटी पक्की। कैसे? कपिल चिटफंड नाम की कंपनी है, उसका मैनेजर मेरा जीजू है। अगर वहाँ तेरी नौकरी लग गई तो तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। जीजू का मतलब? मेरी बहन का हस्बैंड। अगर अपने पे अड़ गया तो किसी की नहीं सुनता है, वो बहुत जिद्दी है। वो ज्यादा सुनता है क्या? लेकिन तुम्हारी बात तो सुनता होगा ना? बिल्कुल नहीं सुनता। तो फिर उसके लिए एक प्लान है। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, उसकी भी एक कमजोरी है, उसका फायदा उठाना पड़ेगा। कौन सी है? LIC पॉलिसी। बाकी और? वो भी LIC है रे। कलेक्शन एजेंट के लिए ऐड दिया था, कोई एप्लीकेशन आई है क्या? एप्लीकेशन तो कोई नहीं आई, लेकिन लेटर आए हैं। लेटर्स आए हैं? कौन से लेटर्स हैं? अप्लाई करने वाले की उम्र 20 और 30 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस 40 साल का होना चाहिए, ऐसा ऐड दिया है। कौन है रोपा? ऐसा ही है रोशन सर, और बहुत सी कमियां हैं। बताओ क्या? जरूरत नहीं, तुम जाओ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। अगर कोई मेरे से मिलने आए तो अंदर मत भेजना, ओके? ए रहा। यस सर। मुझसे मिलने मेरा साला आ रहा है, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बोल देना। ठीक है सर। जान छूटी। बढ़िया उपमा भेजा है सर। क्या है रे? भेज दिया सर। वेरी गुड। आखिर वो किस काम के लिए आया था? हाँ कुछ नहीं सर, अपने दोस्त के LIC पॉलिसी के लिए आपके पास आया था। जरूरत नहीं क्या कि मैंने उसको भगा दिया? अरे पागल, बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। जीजू, ये मेरे जीजू। नमस्ते सर। बैठो बैठो। आई एम सुबू, सुबू हैदराबादी, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी चिट फंड, लीडिंग LIC एजेंट भी हूँ। वो कुछ नहीं यार, मेरे जीजू सुबू राव। हाँ जीजू, तुम नहीं हो ऐसा बोले थे? तुम्हारे जैसे बहुत से निकम्मे ऑफिस में डिस्टर्ब करने आ रहे थे, इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। जीजू ये महेश है, मेरा दोस्त। हेलो सर। बैठो 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 बैठो। इसे 5 लाख की पॉलिसी करवानी है, इसलिए तुम्हारे पास लाया हूं। वेरी गुड वेरी गुड, तुमने जिंदगी में एक काम तो अच्छा किया। थैंक्स जीजू। कॉफी टी? मेरा दोस्त दूध के सिवा कुछ नहीं पीता है जीजू। अच्छा। अरे राव, एक ग्लास दूध लेकर आओ, सफेद होना चाहिए, तुम्हारे जैसा काला नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए जीजू, बस दीदी के हाथ का बना हुआ काजू कोरमा। इतनी जल्दी क्यों कर रहा है रे? अभी देता हूँ ना। खा ले खा ले सर, सफेद दूध। थैंक यू। अच्छा पॉलिसी कब लोगे? पॉलिसी करवाने के लिए कैश नहीं लाए हम। कैश नहीं है तो भी चलेगा, चाहो तो चेक दे सकते हो। उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, इसलिए इसको तुम्हारे पास लाया हूँ। तुम छोटी सी नौकरी दोगे तो हर महीने पॉलिसी के पैसे भर देगा, ये स्कीम है। अच्छा ऐसी स्कीम है? वो इधर दो, ढक्कन भी दो, दूध पी लिया ना। क्यों रे, तुमको काजू वाला उपमा चाहिए, तुमको मिल्क चाहिए, तुम बच्चे हो क्या? जा जाओ जाओ। सर वो कलेक्शन बॉय की पोस्ट खाली है ना, वो इसे दे देते हैं सर। हाथ निकालो। क्या है रे, तुम्हारा रिकमेंडेशन है, किसको क्या देना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। जाओ, तुम यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकते, जाओ। आप लोग क्या यहाँ पर लंच के लिए रुके हुए? जा जाओ। इन लोगों की वजह से मेरा टाइम वेस्ट, उपमा वेस्ट। अब बस मम्मी, दो ही निवाले हैं, खा ले बेटा। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझसे एक सवाल पूछिए ना। ठीक है, 15 अगस्त को हमें क्या मिला? छुट्टी। नहीं, हमें आज़ादी मिली, इसीलिए उस दिन को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे तो है ना मम्मी। सभी तुम्हारे बाप जैसे हैं। ठीक है, 5×5 कितने होते हैं? 20। वेरी गुड, करेक्ट बताया। शारदा, वो गलत बोल रहा है और तुम सही बता रही हो। 5×5 25 होता है। मुझे पता है रे, कल पूछा था तो 15 बोला था, आज पूछा है तो 20 बोला, और कल पूछूंगी तो जरूर 25 बोले। हाँ, माँ बेटा बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं, 5×5 25 होता है। सुनो जी। हाँ। फोन आया था कि आपके चाचा का लड़का आने वाला है। पूरी के साथ भाजी क्या है, चटनी डाल। इस बात की कोई कमी नहीं, किसी इंटरव्यू के लिए आ रहा है, बोला कि 1 हफ्ते यहीं रहेगा। आप ही फोन करके नहीं आने के लिए बोलिए, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि खिलाऊं उन लोगों को। क्यों रे, शादी होकर इतने साल हो गए, कभी